की हेडलाइन पर, प्रेम प्रसंग में अस्पताल के गार्ड ने ही दूसरे गार्ड के लिए ली जान, नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर 3 माह तक करता रहा बलात्कार, रैली की भीड़ देख पगला जाएंगे पीएम मोदी। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम में शीतला अस्पताल में 2 सुरक्षा गार्ड में हुए झगड़े के बाद हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मात्र कुछ घंटे में ही हत्यारोपी नौफिल अनवर को यूपी के सिकंदराबाद से न केवल गिरफ्तार किया है बल्कि प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया है। आरोपी ने देर रात ही गार्ड जुगल किशोर की मारने की रंजिश रची थी। करीब सुबह के 5 बजे अपने साथ बैग में लाए चाकू से 15 से 20 बार वार कर इस घटना को अंजाम दिया है। यह पूरा प्रकरण एक महिला के बीच को लेकर हुआ था। नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर 3 माह तक करता रहा बलात्कार, नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपी नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदातें को लगातार अंजाम देता रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आलम बताया जा रहा है। पीड़िता विरोध करने के हेतु मारपीट भी करता था। इसी दौरान पीड़ित गर्भवती भी हो गई थी। किसी तरह पीड़िता भाग निकली और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। देवबंद से मायावती का वार, कहा रैली की भीड़ देख पगला जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देश के सबसे बड़े सूबे सियासी लड़ाई अब अपने चरम पर है। रविवार की पश्चिम उत्तर प्रदेश के देवबंद में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन की रैली साझा रैली हुई है। इस महारैली में बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि रैली की भीड़ देख पगला जाएंगे पीएम मोदी। बसपा प्रमुख ने मायावती ने साथ ही कहा कि मुझे लगता है कि जैसे ही इस रैली की भीड़ की जानकारी पीएम मोदी को मिलेंगी तो वह पगला जाएंगे और वह इस गठबंधन को लेकर घबरा कर भीड़ की जानकारी पीएम मोदी को मिलेंगी तो वह इस गठबंधन से घबरा कर जरूर पगला जाएंगे। की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।